हेलो स्टूडेंट्स, मैं शंकर प्रजापति, आप लोगों का आज इस क्लास में स्वागत है। हम लोग आज से रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल, ठीक है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सीबीएसई, ठीक है। अभी एग्जाम का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स थे हमने रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। अगर उस चैप्टर्स का कोई भी वीडियो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो आप सबसे पहले तो क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अब जितने भी चैप्टर्स मैंने रिवीजन करा दिए हैं वो सब प्लेलिस्ट में हैं, आप जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, आप अपने मैथमेटिक्स को रिवाइज कर सकते हैं बहुत क्विकली वे में। तो आइए हम इस चैप्टर को रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, हमने सिर्फ सर्कल का डेफिनेशन लिखा है, तो सर्कल का डेफिनेशन में देखिए क्या बोल रहा है। The locus of a point equidistant from a fixed point. The locus of a point है ना, ये point है P. इस point P का locus from a fixed point से क्या है, equidistant होता है, उसको circle बोलते हैं। इस point P की locus को from a fixed point क्या कहलाता है, circle. The locus of a point equidistant from a fixed point. Equidistant from a fixed point is called circle. ये पॉइंट पी का लोकस, ये पॉइंट पी का लोकस है, यानी कि इसकी लोकेशन है, इसकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट ओ, ठीक है। ओ के रिस्पेक्ट में इसकी लोकेशन को सर्कल बोला जाता है, और फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंटर ओ, और रेडियस हो गया आर। तो सर्कल को इंडिकेट किया जाता है 0, r से। 0, r का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ हो, रेडियस आर हो, उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। तो देखिए, आपका जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है इसमें सर्कल के बारे में बहुत कुछ तो नहीं दिया हुआ है, क्लास 10 का जो सीबीएसई का बोर्ड का बुक है, लेकिन यही चीज, यही चैप्टर अगर आप क्लास 10 एसएससी बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, कोर्ड्स का प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स का प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सेगमेंट्स का प्रॉपर्टी, बहुत कुछ उसमें जो है कंबाइन करके दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो इसमें तो आपका कुछ ज्यादा नहीं है, तो जो जो चीजें हैं वो हम आपको बता देते हैं। टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाता है, वो है। एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर, ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू, है ना, कितनी टेंजेंट जो एक सर्कल पर पैरेलल हो सकती है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात देखिए कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, अगर हमने लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, तो ये जो लाइन है इस सर्कल के साथ किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं है, तो ये लाइन कहलाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों? क्योंकि सर्कल के साथ इसका कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉमन चीज नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, बिकॉज द लाइन, है ना, द लाइन There is no intersection with the circle. क्योंकि इस लाइन का सर्कल के साथ किसी प्रकार से भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, इसलिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, ऐसे मान के चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं, जैसे, ठीक है, अगर हमने ऐसे ये सर्कल को क्या कर रहा है, कट करके जा रहा है, तो जब ये सर्कल को कट करके जा रहा है तो इसका नाम आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, इसको बोलते हैं सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड कहलाता है। ये सर्कल को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, इसका नाम दे सकते हो आप ए, इसका नाम दे सकते हो बी, इस प्रकार से। तो ये लाइन कहलाता है आपका सेकेंड, इसको सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। वही अगर हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ये इसका नाम हमने दे दिया है पी एंड क्यू, ये लाइन अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो इसका नाम हो गया पी एंड क्यू। तो ये जो पी क्यू लाइन है ये कहलाता है कोड ऑफ द सर्कल, इसको बोलते हैं हम लोग कोड ऑफ द सर्कल, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपका टेंजेंट्स के पास चलते हैं। तो टेंजेंट किसको बोलते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ टच करती है, उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे देखिए ये सर्कल है, हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये एक लाइन है, ये सर्कल को क्या कर रहा है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका नाम हमने क्या दे दिया P, और इस लाइन का नाम दे दिया हमने x और y। तो ये x और y क्या कहलाएगा, x और y इज ए टेंजेंट। तो हम बोलेंगे कि x और y इज ए टेंजेंट,
इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं बिकॉज दिस लाइन ओनली टच द सर्कल एट सिंगल पॉइंट, क्योंकि ये लाइन जो है सर्कल को सिर्फ एट सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है, ना कि उसे पास होकर गुजर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया टेंजेंट। ठीक है, अगर हम लाइन को एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, है ना, ये लाइन के बारे में तभी हमने आपको बताया, ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, या फिर हम इसको सेकेंट बोलते हैं, क्योंकि सर्कल को दो पॉइंट पर कट करके पास हो रहा है, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट नहीं होता है। अब सवाल ये आता है कि जो टेंजेंट है क्या सर्कल के अंदर बन सकता है? नहीं, है ना, टेंजेंट सर्कल के अंदर कभी भी नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, उसकी बाउंड्री को टच करके जाएगा। जैसे मान के चलिए हमने लाइन ऐसे ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे, बहुत सारी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो क्या ये लाइन टेंजेंट है? नहीं, क्या ये लाइन टेंजेंट है? नहीं, दीज आर द नॉट अ टेंजेंट बिकॉज दे गोइंग इनसाइड द ट्रायंगल, सॉरी सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर से जा रही है, इसलिए इनको हम टेंजेंट नहीं बोल सकते। हम लोग टेंजेंट सिर्फ किस लाइन को बोलते हैं? हम लोग टेंजेंट सिर्फ उस लाइन को बोलते हैं जो सिर्फ एंड सिर्फ सर्कल को टच करके पास होती है, उनको हम लोग जो है टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स, है ना, वी कैन ड्रॉ, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ इन द सर्कल, सर्कल पर हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो वी कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए बिकॉज सर्कल फॉर्म बाय द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बनता है। अगर आप सर्कल पे पॉइंट्स के बारे में बात करो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल थोड़ा गोल सा बना लेते हैं, सपोज ये सर्कल है, तो आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट्स, तो वी कैन ड्रॉ द एन नंबर ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि इनफाइनाइट टेंजेंट ऑन द सर्कल। क्यों? इसलिए क्योंकि सर्कल हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक, लेकिन बात ये उठता है कि हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन वन पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के एक पॉइंट पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। सपोज ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर सिर्फ हम सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। देखिए ये पॉइंट था, इस पर हमने सिंगल टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर हम इस पॉइंट पर दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो जो है उस सर्कल को कट करके पास होगा। जैसे देखिए अगर हम एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए तो सर्कल को कट करके पास हो गया, तो ये जो लाइन है ये लाइन टेंजेंट नहीं है, ये लाइन जो आप एक्स वाई देख रहे हैं ये नॉट अ टेंजेंट। क्यों? क्योंकि ये सर्कल को, है ना, इंटरसेक्ट करते हुए पास हो रहा है, तो ये टेंजेंट नहीं है। तो ये जो लाइन है ए बी, ये ए बी टेंजेंट कहलाएगा। क्यों टेंजेंट कहलाएगा? क्योंकि ये सिर्फ लाइन को कट करके, यानी सर्कल को सिर्फ टच करके जा रहा है। तो उसी पॉइंट से जब हम किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। इसलिए सिर्फ एंड सिर्फ एक ही टेंजेंट एक पॉइंट पर सर्कल पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात ये कि सर अलग अलग पॉइंट, हाँ अलग अलग पॉइंट पर आप अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ उसके सर्कमफेरेंस पर पॉइंट्स हैं, तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो टेंजेंट होता है, कि अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ पैरेलल टू ईच अदर ऑन द सर्कल, सर्कल पर ऐसी कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं जो आपस में पैरेलल हो, तो आप देखिए बहुत ध्यान से देखिए इस बात को। ठीक है, अगर हम सर्कल एक बनाते हैं इस प्रकार से, अगर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो सर्कल पर अगर हम टेंजेंट्स बनाएंगे, ठीक है, ये मान के चलिए हमारे पास, है ना, क्या है, डायमीटर है, ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, तो क्या होगा, डायमीटर, तो डायमीटर के एक इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाइए, ठीक है, और डायमीटर के इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाइए। ठीक है, तो टेंजेंट्स आपको डायमीटर के इन पॉइंट्स पर ड्रॉ करनी है, तो जब डायमीटर के इन पॉइंट पर आप टेंजेंट्स को ड्रॉ करोगे, है ना, डायमीटर के इन पॉइंट पर जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, तो वो जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल होती है। क्यों पैरेलल होती है? इसलिए पैरेलल होती है क्योंकि रेडियस के साथ टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है,
तो यहाँ पर भी एंगल कितना बना 90, तो 90 90 इक्वल हो गया। तो अल्टरनेट एंगल जब इक्वल हो जाता है तो ये टेंजेंट्स आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओनली वन ओनली टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वन पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर पैरेलल इन द सर्कल, इसके अलावा और टेंजेंट्स पैरेलल नहीं होंगी। अगर हम बोले कि सर हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया इसे, ठीक है, तो ये टेंजेंट ठीक है, यहाँ हमने ड्रॉ किया, चलो ठीक है, लेकिन ये टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं है, तो हमको इसके पैरेलल क्या करना होगा, तो इसके पैरेलल ड्रॉ करने के लिए जहां से ये यहाँ की सर्कल पे कट कर रहा है वहां से निकालेंगे और सेंटर से गुजारेंगे, तो सेंटर पे यहाँ पर गुजरा, तो यहाँ से है ना इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हमने इसको ड्रॉ किया, यानी कि जब ये इस पॉइंट से पास करेगा तब ये टेंजेंट इसके पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो एक साथ में दो ही टेंजेंट पैरेलल हो सकता है, ये टेंजेंट इसके पैरेलल है लेकिन इसके पैरेलल नहीं है, समझ गए बात। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि ओनली वन पेयर ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल ऑन द सर्कल, वो भी जो टेंजेंट्स होंगी वो आपके डायमीटर के इन पॉइंट्स पर लाई करेंगे, ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। तो एक और बात अब आपको बता दें, ठीक है, दूसरी बात ये होती है, थ्योरम है इसमें कि जब हम लोग किसी टेंजेंट पर रेडियस, किसी कांटेक्ट पॉइंट पर जब हम रेडियस ड्रॉ करते हो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जैसे मान के चलिए ये आपका टेंजेंट्स हो गया, ये सेंटर हो गया, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ किया है ना, तो ये बोलता है कि ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, तो यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनता है 90। तो आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे लाइन को ड्रॉ करो, ठीक है, ये ओ हो गया, इसका नाम पी देते हैं, इसका नाम क्यू देते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो OP है ना, ये OP किससे बड़ा होता है, OQ से, Q बड़ा है, इसलिए बड़ा है क्योंकि Q इज एक्सटर्नल पॉइंट और सॉरी P इज एक्सटर्नल पॉइंट, Q क्या है, ऑन द सर्कल। तो AB एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, कोई भी पॉइंट जो सर्कल से बाहर होगा ऑब्वियसली वो रेडियस से बड़ा होगा, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल से बाहर होगा तो 100% सिक्योरिटी है कि वो रेडियस से बड़ा होगा। तो अगर हम मान के चलिए यहाँ पर ले लिया R, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ओ आर इज ग्रेटर देन ओ क्यू, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ क्यू जो है, ओ क्यू है ना, ओ क्यू इज द है ना शॉर्टेस्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट साइड, ये शॉर्टेस्ट साइड है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो क्या लिख सकते हैं कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू, इसका नाम अगर हम एक्स वाई दे रहे हैं तो हम बोल देंगे एक्स और वाई, तो OQ क्या होता है, एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होता है, तो OQ मुझे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि व्हेन वी ड्रॉ अ रेडियस ऑन द टेंजेंट पॉइंट देन इट फॉर्म द एंगल 90 डिग्री एट द टेंजेंट, टेंजेंट पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, और क्या क्या बातें सब बता दे रहे हैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली टू, ठीक है, ओनली टू टेंजेंट्स। जैसे ये सर्कल है, आपने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम है पी, तो पॉइंट पी से आप इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, टू, ठीक है, वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पर सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक यहां से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और एक यहां से ड्रॉ कीजिए ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, इसको आप यहां से मिलाइए, इसको आप यहां से मिलाइए, ये मिला दिया आपने, ये हो गया रेडियस, इसको आप यहां से मिला दीजिए, ठीक है। तो इसका नाम अगर हमने मान के चलिए रखा है टी और ये क्या रखा है क्यू, तो हम बोलेंगे टी पी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स है, ठीक है। इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बहुत सिंपल है, आप देखिए ये एंगल 90, ये एंगल 90 है ना, ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, दो ट्रायंगल के बारे में, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ठीक है, ये रेडियस इसके बराबर, ठीक, और ये कॉमन, तो ये जब तीन चीजें आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि ये आरएचएस रूल से क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट्स, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के आरएचएस रूल से क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट्स, जब आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंट्स हो जाता है, आरएचएस का क्या कहना था कि हाइपोटेनियस मस्ट बी इक्वल, ठीक है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ये, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ये इक्वल है, ये रेडियस इसका, ठीक है, बेस भी इक्वल है,
90 डिग्री का एंगल है, तो दैट मींस ट्रायंगल बोथ ऑफ द आर कॉन्ग्रुएंट्स। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो उनके सब पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि TP इज इक्वल टू TQ, तो TP इज इक्वल टू PQ, ये आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्या याद रखोगे कि व्हेन वी ड्रॉ, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल टू द ईच अदर। दूसरी बात साथ में ही आपका याद रखेंगे कि ये सेंटर वाले एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के हर एक पार्ट आपस में इक्वल, तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होता है। ये बात आप हमेशा याद रखें, बहुत सिंपल है, बहुत इजी चैप्टर का कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही इसमें कंसेप्ट है जो आपको लगाना है। ठीक है, और कोई कंसेप्ट नहीं है, सब इजी इजी क्वेश्चन है। एक दो तो क्वेश्चंस आपका सेगमेंट से पूछ देता है, तो सेगमेंट वाला कंसेप्ट तो आप वैसे पढ़ के आए हैं, है ना, क्लास 9 में, फिर भी हम एक बार एक क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे मान के चलिए, ठीक है, एक सर्कल आपने बनाया लाइक दैट, ये आपने सर्कल बनाया, यहाँ पर एक सेगमेंट है, ठीक है, ये सेगमेंट, इस सेगमेंट की हेल्प से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है सपोज, है ना, 60 डिग्री, तो यहाँ पर है सेंटर, तो आपसे पूछ दिया कि सेंटर पर बनने वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और सी। बी सी सेगमेंट के द्वारा एंगल बना ए पर 60, और बी सी सेगमेंट के द्वारा सेंटर पर एंगल कितने डिग्री बनेगा, तो 120, ये आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से मान के चलिए आपने सेगमेंट से यहाँ एक एंगल बनाया है ऐसे, तो सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है आपस में इक्वल, तो 60 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो है आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बस इतना ही कंसेप्ट आपको जो है सीबीएसई बोर्ड का बुक में है, ठीक है, और इतना ही कंसेप्ट आपको यूज करना है, और कोई कंसेप्ट यूज नहीं करना, आपके सब क्वेश्चंस बहुत इजी तरीका से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको एक चीज़ फिर से बताना चाहेंगे कि आप अपने चारों तरफ साफ सफाई बना के रखें। चलिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।